ह्यूमन सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए लॉ होना चाहिए। इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात होगी और इसके ऊपर मुझे लगता है कि जरूर कानून जो है वो पास होना चाहिए। इस तरीके से अगर वारदातें होती रहेंगी तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। कोलकाता में हुई विभत्स घटना को लेकर अभी भी देश भर में गुस्सा जारी है। इसके साथ ही तमाम लोग अपने अपने हिसाब से जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आम नागरिक से लेकर डॉक्टर्स सभी शामिल हैं। इस घटना को लेकर कई लोगों की प्रतिक्रिया अब तक सामने आ चुकी है। अब इसी कड़ी में आप राज्यसभा सांसद और भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख दी है। आप सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि भारत में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त से सख्त कानून होना चाहिए और इसको लेकर देश की संसद में भी चर्चा होनी चाहिए। देश में अगर महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी तो भारत कैसे सुरक्षित देश माना जाएगा। इसके साथ ही हरभजन सिंह ने यह भी कहा कि इस घटना को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ मिलकर इस तरीके की घटनाओं पर कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। देश में महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। हरभजन सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। वुमेन सेफ्टी जो है वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए लॉ होना चाहिए और इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात होगी और इसके ऊपर मुझे लगता है कि जरूर कानून जो है वो पास होना चाहिए कि इस तरीके से अगर वारदातें होती रहेंगी तो फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश जो है वो सुरक्षित है। हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, वो भी हमारी ही बेटी थी जिसके साथ ये हशर हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबको इकट्ठे मिलके इसके ऊपर जो है वो एक कानून बनाना चाहिए जो कि बहुत सख्त कानून हो, ताकि कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे।